नमस्कार, मैं हुजूबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज के दामों में अचानक आई गिरावट से नाराज किसानों ने शुक्रवार मंडी गेट पर चक्का जाम प्रदर्शन किया और प्याज के मूल्यों में वृद्धि की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता श्याम लाल जोगचंद भी मंडी पहुंचे और अधिकारियों से बात की। इधर मंडी में किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार सहित वाईडी नगर थाना पुलिस भी मौके पहुंची और मामले को शांत करवाया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज की अच्छी आवक थी और किसानों को प्याज का संतोषजनक दाम भी मिल रहा था, लेकिन प्याज के दामों में अचानक आई बड़ी गिरावट के बाद किसान आक्रोशित हो गए और मंदसौर कृषि उपज मंडी में नाराज किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इसी बीच यहां से गुजर रहे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद भी किसानों के बीच पहुंचे और प्रदर्शन में भागीदारी कर किसानों की समस्या पर अधिकारियों से चर्चा की। किसानों के प्रदर्शन की सूचना के बाद तहसीलदार रमेश मसारे और वाईडी नगर थाना प्रभारी संदीप मंगोरिया भी मय बल मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर जाम खुलवाया। बंद कराओ नीलम, अरे नीलम बंद कर दो। हाँ यार, कहीं नहीं बगड़े, कहीं चाटी बंद कराओ। पैसे बंद करो मंडी, बंद 100 रुपया ने 200 रुपया नहीं करना भाव है। हाँ बंद करो मंडी, मंडी बंद कराओ, भले 10 हजार बंद करो, हाँ बंद करो, बंद कराओ मंडी, बंद करो। हाँ करो बंद, सही है। किसान के फोकट गए, किसान की भाभी को नहीं मांगी बोरी ने। हाँ बाकी कांदा मैं किया गया था, आप भी आए थे क्या? किसानों द्वारा मंडी का जो मार्ग है वो अवरुद्ध कर दिया था, उनके द्वारा बैठ कर के रास्ता रोक दिया था। उनकी मांगे हैं कि जो प्याज की बिक्री हो रही है, मंडी लामी हो रही है मंडी में, वो उसमें आज थोड़ा सा रेट कम था। वो व्यापारी से भी बात की थी मैंने, व्यापारी संघ से भी। उनका कहना है कि सर क्वालिटी के ऊपर रेट निर्धारण होता है, अच्छी क्वालिटी का रेट ज़्यादा भी रहा है, ज़्यादा रेट में बिके हैं अपने यहाँ, काफ़ी ज़्यादा 2000 से ऊपर भी गई है। और जो ख़राब क्वालिटी की प्याज है उनका रेट कम रहता है, 200, 300, 400, 500 अलग अलग रेट है उनके क्वालिटी के आधार पर। तो वो किसानों का कहना है कि हमको रेट अच्छा दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए, ये कम रेट मिल रहा है। अब वो रेट बाज़ार मूल्य भी चल रहा है, ऐसा कोई निर्धारण नहीं हुआ है रेट का, इस कारण से थोड़ी सी ये किसान चल रही है, जिसका समझा बुझा के निराकरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र निराकरण करवा देंगे। थैंक यू। मैं आज मंदसौर के लिए प्रवास पर आया था, रास्ते में जब मैंने देखा कि यहाँ सैकड़ों अन्नदाता किसान चक्का जाम लगा करके यहाँ खड़े हुए थे, जब मैं उतरा और मैंने पूछा कि भैया क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि ये जो प्याज आपको दिख रहा है ये कल तक 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा था, आज ये बिका 341 रुपये क्विंटल। मतलब अन्नदाताओं का प्याज इस तरीके से इन्होंने बर्बाद कर दिया। बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, ठंड में, बारिश में, पाणत करके अन्नदाताओं ने प्याज की फसल पैदा करी, लेकिन इस देश की सरकारों ने मिलकर के यहाँ के नेताओं की गलत नीतियों के कारण निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया और अन्नदाताओं के किसानों की फसलों का जो दाम था वो पूरी तरह गिरा दिया।
अभी महीने डेढ़ महीने पहले चुनाव निपटा और उस चुनाव में यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए रात में मंदिरों के शिखर बनाने के लिए, होटलों के लिए, जगह जगह उन्होंने देवरों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और शमशान घाटों के लिए उन्होंने पैसा दिया। वो पैसा यहाँ के नेता लोग इन अन्नदाता किसानों से वसूल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आपको जब ज़रूरत थी, गरज थी, तब आपने रात में दारू के पौवे बाँटे, लेकिन उन पौवों का पैसा हमारा अन्नदाता किसान भुगतेगा, ये कतई ठीक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ, सरकार के उन नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भैया निर्यात खोलो और अन्नदाता किसान को उसकी जो वाजिब दाम है प्याज का और अन्य फसलों का सारा दाम अन्नदाताओं को मिलना चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और इसके लिए हम बात करेंगे। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।